हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट स्मिता। वेलकम टू कालिमिर्ची। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्रियन भोपलाची भाजी, यानी कि कद्दू की सब्जी। ये एक आसान सी टिफिन रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं भोपलाची भाजी। सब्जी बनाने के लिए हम कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। तेल में हम डालेंगे राइस। राइस बटर होने के बाद डालेंगे जीरा, हींग, लहसुन। लहसुन को हल्का ब्राउन होने देंगे। लहसुन हल्का ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, ये चला लेते हैं। इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को हमें नरम होने तक भून लेना है। लगभग 5 मिनट में प्याज नरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी को भून लेते हैं। ये जो रेड पंपकिन है या लाल कद्दू, ये हल्का मीठा होता है, इसके लिए हम इसमें ग्रीन चिली ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ 4 तीखी हरी मिर्च इस्तेमाल की है, आप चाहे तो इसे कम कर सकते हैं। हल्दी भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कद्दू। अब हम आंच धीमी करके इसे ढक के पकाएंगे। कद्दू को ढक के 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा के हम इसे चला लेते हैं। ये अभी तक पका नहीं है। इस सब्जी को हमें बीच बीच में चलाते रहना चाहिए, नहीं तो कद्दू जैसे ही सॉफ्ट होने लगता है ये बॉटम में चिपकने लगता है। आइए अभी इसे ढक के और पका लेते हैं। आइए देखते हैं सब्जी पकी है कि नहीं। एक छुरी डालकर देख लेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छे से पक गई है, और इसे मैंने धीमी आंच पे लगभग 15 मिनट तक पकाया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। मिक्स करते वक्त आप इसे हल्के हाथ से मिक्स कीजिए, नहीं तो पीसेस टूट सकते हैं। अब डालेंगे किसा हुआ नारियल। नारियल को मिक्स करके हम सब्जी को आग से उतार लेंगे। दोस्तों, भोपलाची भाजी यानी कि कद्दू की सब्जी तैयार है। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी, फुलका, चावल की भाकरी या फिर ज्वार की भाकरी के साथ। ये तो हमारी फेवरेट टिफिन रेसिपी है। आप भी बनाइए इसे और हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी kalimirchbysmita.com पर। टिल देन, कीप वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग। बाय बाय।